हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और वेलकम है आपका मेरे चैनल उमास बर्ड में। और अभी बजे हैं दोपहर के 12:30 बजे हैं, एक ही बजने वाला है। तो आज मैं अपना व्लॉग दोपहर से स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं बनाऊंगी कढ़ी और चावल, और कढ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चक्कर बताना, देख कर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये लिए है मैंने दही, ये दही है। तो मैं दही की कढ़ी बनाने वाली हूँ, क्योंकि मट्ठा मुझे मिला नहीं है। कभी कभी गाँव में से आ जाता है तो वो पीने में इतना टेस्टी लगता है, तो उसकी कढ़ी क्या बनाए। तो इसलिए मैं दही की कढ़ी बना रही हूँ आज। और मैं इसको मिक्सी में डाल लूँगी, और मिक्सी में डाल के ना, और इसी में बेसन मिला लूँगी, हल्दी नमक वगैरह सब इसमें डाल के ना मिक्स कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि इससे अच्छे से मिक्स हो जाता है। और हाथ से करने से तो कांटे और गाठे सी बन जाती है, और उसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। और मैं जितना मेरा ये दही है ना, मैं इतना ही एक मिक्सी भर के इतना ही अलग से पानी डालूंगी इसमें, और फिर अच्छे से मेरी कढ़ी बन जाएगी। और तब तक मैं अपना पकौड़ी बनाने का भी सामान तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि पहले मुझे पकौड़ी बनानी है, और इसी कढ़ाई में फिर मैं कढ़ी बना लूँगी। तो मैंने बेसन घोल लिया है, और मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह मसाला डाल दूँगी। और हाँ, इसमें पकौड़ी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर, या जिसे आप सोडा बोलते हो, ये भी डाल दूँगी। सिर्फ एक चुटकी ही डालना है, इससे ना हमारे पकौड़े नरम और सॉफ्ट बनेंगे, ताकि वो कढ़ी में जाते ही मतलब बिल्कुल नरम हो जाए, हार्ड ना रहे। आपने देखा वो टाइट टाइट सी पकौड़ी रहती है, तो वो अच्छी नहीं लगती, और नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट सी अच्छी लगती है। और बिना पकौड़ी के ना वैसे कढ़ी अच्छी भी नहीं लगती। और ये मेरा घोल तैयार हो चुका है, और मैं बना रही हूँ पकौड़ी आप सबके लिए, नहीं कढ़ी के लिए बना रही हूँ। ये मेरे कढ़ी के लिए पकोड़े हो गए तैयार। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारे पकोड़े बन चुके हैं। अभी मैं छौंक तैयार कर रही हूँ कढ़ी के लिए। और मैंने मेथी लिया है, मेथी और प्याज लहसुन ये पहले ही काट कर रखे थे, ये सब इसमें डाल दूँगी, और साबुत लाल मिर्च डाल दूँगी। तो ये सब ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, तब मैं कढ़ी को छौंक लगा लूँगी। वैसे तो आप सबको आती ही है बनानी, इसीलिए मैंने ज़्यादा डीपली नहीं दिखाया है आपको, क्योंकि सभी बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये छौंक रेडी हो चुका है, और ये जो मिक्सचरण था ये सारा मैं इसमें छौंक लगा दूंगी। और ये देखो मेरे पकोड़े कितने सॉफ्ट बने हैं। ये अगर हम इसमें थोड़ा सा सोडा डालते हैं तो उससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं, मतलब कढ़ी में जो पकोड़े होते हैं वो टाइट टाइट से अच्छे नहीं लगते, सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम मुलायम मुलायम ही अच्छे लगते हैं। तो मेरे ऐसे ही बने हैं। और ये अभी मैंने पूरा, मेरी कढ़ी अब बस रेडी होने ही वाली है, तैयार होने वाली है। और मैंने इसमें पानी भी मिला दिया है, जितनी दही है उतना ही पानी, यानी डबल पानी मिलाया है हमारी कढ़ी। अभी देखना कैसी बनकर तैयार हुई है। तब तक मैं अपने चावल साफ कर लूँगी। चावल मैं आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मैं चावल। तब तक मेरी कढ़ी रेडी होती है, तब तक मैंने चावल भी तैयार कर लिए हैं अपने, और मैंने इसमें पकौड़ी भी डाल दें। जब इसमें मतलब खद्दा लगने लगे तब इसमें पकौड़ी डाल देंगे। और फिर मैं एक छौंक और लगाऊंगी कढ़ी में घी का। मैंने घी लिया है इसमें, और इसमें ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, क्योंकि लाल मिर्च भी डाल सकते हो आप, लाल मिर्च हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, इसीलिए लाल मिर्च पाउडर लिया है। और इससे ना कलर बहुत अच्छा आता है, जो कढ़ी का टेक्स्चर है वो थोड़ा अच्छा आ जाएगा, जैसे बाजार वाली कढ़ी होती है ना, ऐसे हो जाएगा। और ये हमारा छौंक भी लग गया है, बस हमारी कढ़ी भी रेडी हो चुकी है, खाने के लिए तैयार है। सो गाइस, रेडी हो चुकी है मेरी कढ़ी एंड चावल। तो आज चावल भी बन चुके हैं, तो आ जाइए आप भी टेस्ट कर लीजिए। अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। दिस इज रेडी माई रेसिपी, लुक सो डेलीशियस एंड खाने में लग रही है वाओ टेस्टी है।
चलो भाई खाना पीना तो हो गया है, अब कर लेते हैं थोड़ी सी किचन की सफाई, क्योंकि जो बनाकर अपने सत्रम फैलाया था उसे समेटना भी तो है, उसे रखना भी तो है। तो यहाँ पर मेरी किचन की सफाई चल रही है, किचन की सफाई भी हो चुकी है। इसके बाद मैं करूँगी बर्तन साफ, और फिर बर्तन साफ भी हो चुके हैं, और फिर बर्तन साफ कर रही हूँ मैं। और बर्तन साफ करने के बाद खाना खा लिया है और सफाई भी कर ली है, बर्तन भी साफ हो गए हैं। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको शाम को। शाम को जाना है मुझे एक पार्टी में, अगर वहाँ की हो सके तो वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ पूरी वीडियो में। तो फ्रेंड्स अभी बजे हैं 5 और मैंने बोला था ना कि मैं शाम को एक पार्टी में जाऊंगी, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स भी है, और मैं जिस होटल में आई हूँ उसका व्यू आपको दिखा देती हूँ थोड़ा सा। तो ये है यहाँ पर होटल का व्यू, ठंडा ठंडा सा बैठे हैं। कैसा लग रहा है आपको मेरा ये ब्लॉग? आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, आज मतलब वहाँ पर ना साइड में किसी की मैरिज एनिवर्सरी थी। ये जो आप देख रहे हैं ये हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है 25, और यहाँ पर उनकी पार्टी का कोई मेंबर नहीं था क्योंकि अभी भी डेकोरेशन चल रही थी। तो हम थोड़ा जल्दी आ गए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो हमने यहाँ पर पिक ली, रील्स बनाई और वीडियो वगैरह बनाई, और मतलब मस्ती की, क्योंकि फंक्शन किसी और का है और हम कोई और थे, हम तो जानते भी नहीं थे किसका है। तो काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी इन्जॉय किया। तो आपने भी कभी किया है ऐसा? अगर किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, जिस मेरी वीडियो पर न्यू है सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं कि नहीं अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।